हेलो गाइज, आप सभी को मेरे न्यू अनदर ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं इस ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ नेपाल में स्पेशल मनाने जाने वाला महाशिवरात्रि त्योहार। नेपाल में एक स्पेशल तरह से महाशिवरात्रि त्योहार मनाया जाता है। इसमें लकड़ी को जलाकर आग का धुनी लगाकर शिव धुनी लगाकर हम मनाते हैं। नेपाल में एक स्पेशल परंपरा है, संस्कृति है। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कैसे मनाते हैं नेपाल में स्पेशल महाशिवरात्रि त्योहार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आगे ब्लॉग कैसा है और नेपाल का स्पेशल महाशिवरात्रि व्रत त्योहार कैसा होता है। तो गाइज, आप सभी को हम दिखाने के लिए आए हैं ये नए ब्लॉग में। ये शिव मंदिर है, आज महाशिवरात्रि है। तो नेपाल का ये देखिए महाशिवरात्रि और ये मंदिर दिखा रहे हैं आप सभी। तो गाइज, ये मंदिर में आया हूँ। ये छोटा सा मंदिर है, मंदिर छोटा बड़ा तो नहीं होता है, बस इसका जो घर है वो छोटा है। और ये पहाड़ों के पास में ही है। और ये देखिए कैसे नंदी जी हैं। और ये गेट हुआ, तो गेट से अंदर जाएंगे। यहाँ पर सुनसान सा है, ज़्यादा लोग नहीं है इस मंदिर में। हम पहले इसी मंदिर में आए हैं, दूसरे मंदिर में भी जाएंगे। तो ये शिवलिंग है और ये देखिए इस पर पूजा अर्चना किया हुआ है और हम लोग भी पूजा करेंगे। तो ये देखिए मंदिर। और इस मंदिर में खास ये देखिए, यहाँ पर त्रिशूल, जो भक्तगण लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग चढ़ाते हैं छोटे छोटे त्रिशूल। और ये हम आ गए हैं दूसरे मंदिर में। गाजी ये मंदिर दिख रहा है, इसी मंदिर में आज धुनी जलेगा। और ये देखिए शुरू हो गया है धुनी जलाना। यहाँ पर नेपाल में एक परंपरा है, विशेष खास करके धुनी जला करके, शिव धुनी लकड़ी को जला करके। जैसे इधर हम भारत में होली में लकड़ी जला करके होलिका दहन मनाते हैं, तो वो अलग परंपरा है। और ये नेपाल में शिव धुनी जलाकर अलग परंपरा से मनाया जाता है महाशिवरात्रि, जो कि स्पेशल है, बिल्कुल ही अलग है, हटके है और अनोखा है। और ये सदियों से चलता आ रहा है। आज के डेट में पूरे नेपाल में लगभग इसी तरह से महाशिवरात्रि व्रत मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। रात भर जागेंगे लोग ऐसे ही अग्नि प्रज्वलन करके, धुनी लगा करके, रात भर चारों तरफ दर्शन करने आएंगे लोग, घूमेंगे, अपना शरीर को भी इसी आग में सेकेंगे, सेकते ही देखा गया है। और साथ ही में देखिए ये कितना खूबसूरत मंदिर है, नेपाली स्ट्रक्चर, नेपाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना अच्छा बनाया हुआ है। और ये चारों तरफ दिया जलाया हुआ है, देखिए लोग दिया भी जला रहे हैं, दीपक। और इसी तरह से नेपाल में मनाते हैं, पूजा करते हैं महाशिवरात्रि में। मंदिर के चारों ओर दिया जगमग दीपावली की तरह जला रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल ही हटके है, अलग है। भारत में ऐसे मंदिर के चारों ओर दिया नहीं जलाते हैं, मंदिर के भीतर ही 2, 4, 5, 10 जितना हो जला सकते हैं, बाहर में नहीं ऐसे जलाते। लेकिन ये खास करके नेपाल में ही ऐसे होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, तराई में नहीं, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में, पशुपतिनाथ में भी ऐसे है। और ये देखिए ये दूसरी साइड आ गए, यहाँ से मंदिर के पास में ही सटा हुआ ही है, यहाँ पर धुनी जल रहा है। देखिए शहर के बीच में है ये, घर के बीच में ये मंदिर है। और इसी मंदिर में आज दिन भर महाशिवरात्रि का व्रत किया था, कुछ नहीं खाया था, तो अभी खा रहे हैं रात में साबूदाना।